हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू बाय भावना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ SBL होम्योपैथी की नेट्रम का रिव्यू। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रोडक्ट है इट्स SBL होम्योपैथी एंड नेट्रम म्यूरिकिटम 6X के कुछ टैबलेट्स का मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। सो ये जो प्रोडक्ट है आपको कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में मिलने वाला है एंड दिस इज होम्योपैथिक मेडिसिन। सो ये बायोकेमिकल टैबलेट्स हैं, तो इनके जो इफेक्ट्स होते हैं थोड़े लेट होते हैं, बट इसमें कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं जो आपके लिए हार्मफुल होंगे। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आपको एक बार जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इनको लेने से पहले। सो ये जो प्रोडक्ट है ये 25 ग्राम्स का आपको मिलेगा एंड इसका जो MRP है इट्स 85 इसका MRP है एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है 4 ईयर्स की, आपको इसका शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। एंड अब इसका क्या यूज है, इसको कैसे इनटेक करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सो इट्स नेट्रम, ये आप नॉर्मल हमें पेन होता है लाइक हेडेक हमें हो गया है या टूथ एक हो गया है या स्टमक एक हो गया है, उसमें ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। एंड हमें जो बेमौसम कोल्ड हो जाता है, कफ और सीजिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके उस टाइम पे ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। एंड अगर मैं इसकी पैकेजिंग आपको दिखा दूं तो इस टाइप का आपको एक शीशी मिलने वाली है। इसमें छोटे छोटे व्हाइट टैबलेट्स आपको मिल जाएंगे एंड मैं आपको दिखा देती हूँ इसके टैबलेट्स। तो ये मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप के टैबलेट्स हैं, आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं अपने हाथ पे दिखा देती हूँ। काफी छोटे छोटे टैबलेट्स हैं, इनके हर टैबलेट्स पे SBL लिखा हुआ है, तो ये इनका मार्क है। बहुत छोटे टैबलेट्स हैं एंड ये टेस्टलेस होते हैं, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। एंड ये जो आपके इफेक्ट करते हैं, जो भी आपको स्नीजिंग वगैरह होती है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये। और जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। एंड ये हमारी बॉडी में RBC के काउंट को इंक्रीज करते हैं, जो भी हमारे व्हाइट सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ने में हमें हेल्प करते हैं, तो उनके काउंट को ही इंक्रीज करते हैं। तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, मल्टीपल यूजेस का है एंड इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है बिकॉज इज अ होम्योपैथिक मेडिसिन। बट फिर भी आपको लगता है तो आपको एक बार जरूर अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही इनको इनटेक करना चाहिए। एंड इसकी डोज जो है आपको 4 टैबलेट्स लेनी है 3 to 4 times a day, मतलब दिन में 3 to 4 बार आपको लेनी है 4 टैबलेट्स। बहुत छोटी छोटी टैबलेट्स है, कोई टेस्ट नहीं है इसका, टेस्टलेस है। एंड आप इसको बिना पानी के लीजिए, आप मुंह में रखते ही ये पिघल जाते हैं। अगर उनको बच्चे लेना चाहते हैं तो 2 टैबलेट्स लेनी है दिन में 2 बार, मतलब जितने बड़ों के लिए उससे हाफ डोज उनको लेनी है। पता है होम्योपैथी है, काफी नोन ब्रांड है, इट्स SBL। सो आप एक बार से जरूर ट्राई कीजिए। मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, जैसे नॉर्मल कभी पीरियड्स पेन हो जाता है तो उसमें बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है, बट ये है कि ये धीरे धीरे इफेक्ट करता है, बट काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। सो फॉर मी इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। सो आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।